ये है पोटैटो इडली, मतलब आलू से बनी हुई इडली। ना तो इसे भिगाने का टेंशन है, ना ही बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही समय लगता है। 4 से 5 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू धोकर छील लीजिए, छोटे टुकड़ों में कट कीजिए। ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी साथ में डालकर ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड किए हुए आलू को साइड में रखिए। एक बर्तन में 2 कप सूजी ले लीजिए। सूजी महीन या मोटी कोई भी ले सकते हैं, दोनों भी सूजी से इडली एकदम परफेक्ट बनती है। सूजी में ग्राइंड किया हुआ कच्चा आलू डाल दीजिए, साथ ही डाल दीजिए 1/2 कप दही। दही थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। दही खट्टा नहीं है तो 2 से 3 चम्मच ज़्यादा दही डालिए। अब इसे मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये अभी भी ड्राई है तो थोड़ा सा पानी और डाल लीजिए, जैसा कि मैंने डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। मिक्स कर दीजिए। ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। सूजी अच्छे से फूल जानी चाहिए। जब तक सूजी फूल रही है, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ले लीजिए। लंबाई में इस तरह से कट कर लीजिए, या तो फिर आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह से लंबाई में कट की हुई सूखी लाल मिर्च इडली में बहुत अच्छी दिखती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च के बीज अलग कर दीजिए, बीज हमें नहीं यूज़ करने हैं। इस कटी हुई मिर्ची को साइड में रखिए। चलिए पहले बना लेते हैं मूंगफली की चटनी, जिसे हम पोटैटो इडली के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए कितनी जायकेदार दिखाई दे रही है। इसे आप किसी भी साउथ इंडियन रेसिपी, इडली, डोसा या फिर अप्पम के साथ सर्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस चटनी को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। ये है मूंगफली की चटनी के इंग्रेडिएंट। पैन में 1 छोटा चम्मच तेल गरम करिए। तेल गरम होते ही इसमें 4 से 5 लहसुन छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दीजिए और थोड़ा सा भून लीजिए। जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगे, तब इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून जीरा। फ्लेम को लो ही रहने देना है। जीरा भुन जाने के बाद 2 से 3 हरी मिर्च कट करके इसमें डाल देना है और इसे भी भून लेना है। हरी मिर्च थोड़ी सी कुक होते ही इसमें डाल दीजिए 1/2 कप मूंगफली। मूंगफली आप भुनी हुई भी ले सकते हैं और बिना भुनी हुई भी ले सकते हैं। अगर भुनी हुई ली है, इस समय आपको सिर्फ इसे गर्म करना है 1 से 1.5 मिनट तक, और अगर बिना भुनी हुई ली है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसे भूनने में। मैंने भुनी हुई ली है तो 1 से 1.5 मिनट में ये हो जाएगी। अब इसमें डाल दीजिए 8 से 10 सूखी लाल मिर्च और इसे भी भून लेना है। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है, आप अवॉइड कर सकते हैं। चटनी ग्राइंड करते समय लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट सेम ही आता है। लाल मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गरम भी ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें पानी मिलाकर ही ग्राइंड करना है, तो ये सभी इंग्रेडिएंट अपने आप ठंडे हो जाएंगे। इसमें ही डाल दीजिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा पानी डालिए और महीन ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करते समय अगर आपको लग रहा है चटनी थिक हो रही है, ओपन करके थोड़ा सा पानी और मिला लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी आपको जैसी रखनी है रख सकते हैं। इस चटनी को आप साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ साथ किसी भी पकौड़ों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और ब्रेड सैंडविच के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सैंडविच के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। लीजिए, बातों ही बातों में तैयार है मूंगफली की चटनी। अब भी आप इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए पानी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी और मिला रही हूँ। चटनी रेडी है।
आइए अब देख लेते हैं इसमें तड़का कैसे लगाना है। इसका तड़का थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बढ़ा देता है। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ले लीजिए और इस तरह से कैंची की सहायता से लंबाई में कट कर लीजिए। अगर आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है, हरी मिर्च को भी आप इस तरह से कट कर सकते हैं और तड़का लगा सकते हैं। इसी तरह सभी मिर्च कट कर लेनी है और इससे बीज अलग कर देना है। तड़के में हमें इसके बीज नहीं डालने हैं। तड़का पैन में 1 चम्मच तेल गरम कर लीजिए। गरम होते ही इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दीजिए। 6 से 7 कड़ी पत्ता बारीक कट करके डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए लंबाई में कटी हुई लाल मिर्च और अगर आपने हरी मिर्च ली है हरी मिर्च डाल दीजिए। इन्हें भून लीजिए, थोड़ा सा क्रिस्पी होते ही फ्लेम बंद कर देना है। इस तड़के को हमें चटनी के ऊपर गरम नहीं डालना है, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए चटनी के ऊपर और मिक्स कर लीजिए। लीजिए तैयार है जायकेदार मूंगफली की चटनी। अगर आप झटपट सूजी की इडली बना रहे हैं या फिर चावल की इडली बना रहे हैं उसके साथ एक बार जरूर इसे बनाएं, आपको ये बहुत पसंद आएगी। जब आप इसे एक बार बनाएंगे बार बार बनाना पसंद करेंगे। 10 से 15 मिनट बाद जब सूजी भीग जाए स्टीमर में या फिर भगोने कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए इडली को स्टीम कुक करने के लिए, और इडली स्टैंड को भी ऑयल से ग्रीस करके रख लीजिए। तड़का पैन में 2 छोटे चम्मच तेल गरम कीजिए। तेल गरम होते ही इसमें डाल दीजिए जीरा, महीन कटे हुए कड़ी पत्ता और लंबाई में कटी हुई लाल मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स, इसे साइड में रख दीजिए। इडली बैटर अब तक भीग चुका होगा और सूजी थोड़ी सी फूल चुकी होगी। आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक या फिर 1 छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी। पानी आप ध्यान से डालें, हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा थिक बैटर ही चाहिए। और अब इसमें डाल देना है रेडी किया हुआ तड़का। इसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और ये आलू की इडली है तो हर कोई इसे खाना पसंद करेगा। अब इसे मिक्स कर लीजिए और कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। अगर आपको थिक लग रही है तो थोड़ा सा पानी और मिला लेना है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरह की रखनी है। ये देखिए बैटर हमें इस तरह का थिक रखना है। इस बैटर में अब 2 पैकेट रेगुलर या फिर लेमन इनो डालना है। मींस हमें 2 टीस्पून रेगुलर या फिर लेमन इनो डालना है। पर अगर आपके पास इनो नहीं है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। इसे अच्छे से फटाफट मिक्स कर लेना है। ऑयल से ग्रीस किए हुए इडली स्टैंड को भर लीजिए और अब हम इसे स्टीम कुक कर लेंगे। अब आपका जब भी मन हो फटाफट इडली बना सकते हैं। ना तो इसमें हमें फर्मेंट करने का टेंशन है ना ही ग्राइंड करने का। आप देख सकते हैं कितनी आसान है और कितनी फटाफट बन रही है। स्टीमर में रख कर फ्लेम मीडियम कर दीजिए। लगभग 8 से 10 मिनट या फिर 12 मिनट तक इसे स्टीम कुक होने दीजिए। स्टीमर वाली इडली भी कुक हो चुकी है, इसे चेक करके देख लीजिए। अगर हो गई है तो निकाल लीजिए, नहीं तो 2 से 3 मिनट और स्टीम कुक कर लीजिए। ठंडा कीजिए और अनमोल्ड कर लीजिए। वैसे आप इसे नारियल की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ मूंगफली की चटनी के साथ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। जब भी आप ये इडली एक बार बना लेंगे इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। मुझे ये भी बताइए कि आप और कौन कौन सी इडली की रेसिपी देखना चाहते हैं।